बरकत है। खुशखबरी होगी का मुसलमान के लिए, तो जब्बार खान होने जनाब ने जो विरासत छोड़े, उस विरासत को लेके जनाब नजीर अहमद गदरकर साहब जो हड्डी का पूरी लोगों ने मत भरोसा करके जो कमेटी बनाया, बच्चों की रिहाई करने की कमेटी बनाया, उसका तो पूरा रकम जिसके हाथ में मदद सौंपे, उस शख्स इंशाल्लाह अंजुमन के सदर बन के आपके सामने आए और उनकी पूरी अहदेदार ईमानदारी के साथ में अंजुमन चलाने के बड़ा भरोसा किया है। और बच्चों के खाते मतलब कि जो है जो कुछ होगा अपनी जेब से पैसा खर्चा करना हो या बड़े से बड़ा वकील, आज तक मतलब कोशिश किया है, दिल्ली से हाईकोर्ट से सारे कोशिश किया है। चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह ये सारी पॉलिटिक्स बच्चों के नाम पे नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत हो गया मतलब कि जो है बच्चों के नाम पे पॉलिटिक्स, इसको खत्म करो। बच्चों के सामने मतलब कि जो है अंजुमन की इलेक्शन, अंजुमन की पॉलिटिक्स ये सब नहीं होगा। बच्चों का माँ बाप बहुत परेशान है, उनके साथ में मतलब हमारा रोज का मतलब जो है बातचीत है, उनसे हमने वादा किया है कि किसी हालत में जो है इस पॉलिटिक्स में हम नहीं रहेगा। बच्चों को बाहर लाने के बाद में इंशाल्लाह अशरफ अली आरिफ मुजावर नॉमिनेट करके इसी टीम के अंदर इंशाल्लाह आएंगे। ये चैलेंज है, सिर्फ कसम खाया हूँ कि बच्चों को बाहर लाके हम अंजुमन आएंगे। जितने भी टीम बनेंगे वो राइटिंग में लिख कर देंगे कि आपने बच्चों की जिम्मेदारी लेकर जल्द से जल्द उनकी रिहाई करेंगे। देखो गदरकर साहब मतलब कल पूरे लेडीज गदरकर साहब के पास आए थे आनंद नगर से, सब जगह से गदरकर साहब ने सदर सदर जो है क्लियर बोल दिया है, तुम्हारी खातिर अगर समझ लो अंजुमन इलेक्शन होने तक अगर बच्चों को खाने पीने का अगर खर्चा अगर नहीं देते तो जेब से मतलब हम देंगे, दूसरे लोग अगर नहीं देते तो हम देने का तैयार है। अंजुमन इलेक्शन होने के बाद में, जीत के आने के बाद में खर्चा भी उठाएंगे और उनको जल्द से जल्द मतलब लेके आएंगे। अशरफ अली जो है काम किए हैं और काम करेंगे, बच्चों को रिहाई हमारे लिए मतलब जो है मकसद है, ये सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, दूसरा अंजुमन से कोई पॉलिटिक्स से संबंध नहीं, बच्चों के लिए जो भी काम किए। देखो एजुकेशन के अंदर जनाब ने जो इदारे बनाए, जो कोर्सेस लेके आए, ये तारीखी इदारे, तारीखी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं अंजुमन के अंदर, आज तक किसी ने नहीं किया जो जनाब ने बनाया। अब कोर्सेस भी बहुत सारे लेके आया, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेस जो है, जैसे मैं सना कॉलेज का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, जितना मतलब कि जो प्रोफेशनल कोर्सेस सना कॉलेज में चल रहा है उसका 4 गुना 5 गुना इंशाल्लाह प्रोफेशनल कोर्सेस अंजुमन में आएंगे। हम सपोर्ट करेंगे सदर साहब को, सदर साहब को टीम को, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द अंदर भी आएंगे और हुबली का तारीख बदल जाएंगे एजुकेशन का इंशाल्लाह क्वालिटी लाके। देखिए अंजुमन का बहुत ज्यादा मतलब कर्जे में बनाया, जनाब जनाब का टीम जो है 2 करोड़ चिल्लर जो है छोड़ के चले गए थे, उसके बावजूद ये टीम ने जो है कर्जदार बना दिया। अंजुमन हॉस्पिटल गिरवी रख के 1.5 करोड़ रुपए लेने वाला था, उतोली लोग हम लोग मिलकर इसको रुका दिया, वरना मतलब और भी कर्जदार होता था। 9 पोस्ट जो है नेहरू कॉलेज का पोस्ट जो है हमने रुका दिया, क्योंकि वो अगर पैसा लेके लोग टीचरों से लेक्चरों से पैसा लेके वो भी डुबा देता था, हमने वो रुका दिया, वक्फ बोर्ड को बोल के हाईकोर्ट से जो है रुका दिया। इंशाल्लाह वो सारे रकम जो है कर्जा भी चुकाएंगे और बेहतरीन तरीके से अवाम के लिए, हुबली का अवाम मुसलमान के लिए एक लीडरशिप देंगे, एक वकार देंगे, इदारे का वकार होगा। हम जो है किसी के मतलब के बिकने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, नॉन पॉलिटिकल सदर आया हुआ है, नॉन पॉलिटिकल लोक टीम आया हुआ है, हमें एमएलए बनना है, सदर साहब को एमएलसी बनना है, ना कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हुबली का मुसलमान को जो है इस हालत से बाहर निकालना है, इस मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो जो पैदा किया उससे बाहर निकालना है इंशाल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारे अंजुमन को लेके स्टैंड ये है कि इससे पहले 10 साल में अंजुमन में सदर के हैसियत से, ट्रेजर के हैसियत से काम कर चुका हूँ, इसके सारे हालात से मैं वाकिफ हूँ। इंशाल्लाह मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, आने वाले दिनों में जो करना है हमारे दिलों में है, इसे इदारे को बुलंदी पे ले जाने का हमारा इरादा है। अगर मौका मिला, अल्लाह के फजल और करम से मौका मिला, तो इंशाल्लाह 1 साल में ये इदारे को बहुत सारे तब्दीलियां लाके हम लोग आपको दिखाएंगे। एजुकेशन में जो डेवलपमेंट रहेगा, इनकम बढ़ाएंगे, और भी जो भी हमारे समाज की जरूरतें हैं उसके लिए पूरा करने की भी कोशिश ये प्लेटफॉर्म से हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैं अभी पूरे मुतवल्ली हजरात अराकीन जमात और पूरे वोटर्स हजरात से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग
हर मरतबा देखे हैं कि हर सुदूर अपने अपने पीरियड में जो जो काम किए हैं आपके नजर के सामने है, और हमारे वो पीरियड 10 साल होनली साहब के सदारत में और होनली साहब के ग्रुप में हम सब मिलके बहुत सारे काम किए हैं। जैसा कि हमारा मैरिज हॉल है जो कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, 20-25,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बिल्डिंग बनाए, 40,000 स्क्वायर फीट का इमारत भी, 2 हॉल है उसमें, उसकी इनकम सालाना बहुत ज्यादा इनकम है हमारा, 60 से 70 लाख इनकम का जरिया बन गया वो जो मेरे पीरियड में था, वो सब हमारी टीम की कोशिशों से बना। इंशाल्लाह हम जो है एजुकेशन के ऊपर वो खर्चा करने का इरादा रखते हैं, और भी इनकम बढ़ाने का, एजुकेशन को स्टैंडर्ड लाने का हमारा इरादा है। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम मिलकर ये काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अंजुमन से भी और हम लोग एक लीगल और लीगल टीम बनाए थे, लीगल वेलफेयर रिलीफ और लीगल टीम बनाए थे, जो पहले अंजुमन वाले से जो है उनको मदद पहुंच रही थी, उसके बाद हम सब लोग मिलकर जो माजी सुदूर हाली सुदूर और शहर के अच्छे लोग सब मिलकर एक टीम बनाए लीगल और इसके काबल रिलीफ कमेटी लीगल कमेटी के बनाने के बाद इसके अंदर बहुत सारी रकम जमा हुई। हम वो लोगों के लिए जो है ना पहली मरतबा 20,000 रुपए दिए, उसके बाद 10,000 दिए, 5,000 रुपए करके दिए, और लीगल के लिए वकीलों की फीस का भी इंतजाम किए। आने वाले दिनों में ये इदारे को समन तो ऐसा नहीं है, इदारे से भी कोशिश करेंगे और सारे शहर के अच्छे लोगों के पास से पैसा वसूल करके उनको रिहा करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इसी महीने में जो है ये बच्चों की रिहाई होगी बोल के हमें पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह सब लोग दुआ करो, इंशाल्लाह यही महीने के आखिर में जो है बच्चे रिहा हो जाएंगे। ऐसा है कि नाराजगी अपने तरफ अलग है, इलेक्शन अपने तरफ अलग है। जितने लोग समझते हैं कि इदारे का इलेक्शन है, इसमें हम आगे पढ़ के कोशिश करके अच्छे लोगों को लाएंगे, वो लोग जरूर आएंगे, आके वोटिंग करेंगे, तो उसका फायदा, जो अच्छे लोग आएंगे तो फायदा जरूर होगा इदारे में। ऐसा है कि हमारा एक लोगों का, नौजवानों का एक डिमांड रहा कि हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, तो पीछे के खिदमत है आपके, आप भी आओ सामने, अल्लाह जिसको मौका देता वो करेंगे, हम आपस में तो सब भाई भाई हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं है। इंशाल्लाह जिसे मौका मिलेगा वो कोशिश करेंगे, हम भी उनका साथ देंगे, अगर हम आए तो वो भी उनका साथ भी लेके हम अंजुमन के लिए काम करेंगे।